डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डी ब्रॉगली वेव्स की। इससे पहले हम जानते हैं कि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, जिसमें कि हम वेव नेचर और रेडिएशन के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। तो आपका जो वेव नेचर है, वेव नेचर को हम सॉल्व करते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और उसमें हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन। और सिमिलरली आपने इससे पहले जो लेक्चर में देखा होगा कि हमने जो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है उसके लिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, और उससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सॉल्व किया था हम फोटोन कहते हैं, और इस फोटोन की एनर्जी इजल टू एच टाइम्स न्यू है। मेटेरियल पार्टिकल हैं, उनका वेव नेचर संभव है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको जो सबसे पहले वो कहा गया यस, एंड यस इसमें ये जो बोला सबसे पहले कहा डी ब्रॉगली। हम देखते हैं कि ई इक्वल टू फोटोन के लिए ई इक्वल टू एच न्यू है, और इसका मोमेंटम पी सी इज इक्वल टू एच न्यू, सो पी इज इक्वल टू एच न्यू ओवर सी, एंड दैट इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा, सो दैट्स वाई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एच अपॉन पी। तो ये रिलेशनशिप है, कोई भी फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू अगर है या उसका वेवलेंथ लैम्डा है, लैम्डा और पी के बीच में ये रिलेशनशिप हमारा इस तरह से है। अब इस रिलेशनशिप को डी ब्रॉगली ने कहा कि हम इसको मेटेरियल पार्टिकल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माना कि कोई पार्टिकल जिसका मास है m और उसकी वेलोसिटी है v, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि मेटेरियल पार्टिकल के की जो उसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी के बराबर होगा। अगर मेटेरियल पार्टिकल वेव की तरह व्यवहार करता है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होगी। और इसको आगे बढ़ाने के लिए तो इसका वीपी फेस वेलोसिटी लैम्डा, ये हम जानते हैं कि ये फेस वेलोसिटी के लिए न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो अगर हम न्यू को देखेंगे तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच टाइम्स न्यू, सो न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाई एच, और इसका जो लैम्डा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो हम देखते हैं कि दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाई एच इंटू एच अपॉन एम इंटू वी, एंड इट्स कम्स आउट टू बी सी स्क्वायर ओवर वी। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि ना अगर इलेक्ट्रॉन और मेटल पार्टिकल अगर वेव की तरह व्यवहार कर रहा है तो उसकी जो फेस वेलोसिटी है वो वी पी इज ग्रेटर देन सी आर, बिकॉज ऑफ वी इज लेस देन सी, वी इज लेस देन सी होनी चाहिए। मेटल पार्टिकल के लिए की जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती हो सी से कम होनी चाहिए, वो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम इसको समझ सकते हैं। और यहां पे हम देख रहे हैं कि जो फेस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो है सी से, जो कि संभव नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पार्टिकल के लिए जो वेव है वो सिंगल नहीं हो सकती है, अगर वो सिंगल नहीं है तो उसको कैसा होना चाहिए, वो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं सपोज वी वेव इक्वेशन y = a sin ओमेगा t + kx, एंड हमने इसको y बन लिया, एंड y2 = a cos ऑफ ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू माइनस k प्लस k डेल्टा kx डेल्टा k इंटू एक्स, ये आपका इसके लिए हमने लिया। अब इन दोनों का जब हम सुपर इम्पोज करते हैं तो दो वेव्स हैं इस तरह से जिनकी की फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो हम देखते हैं कि इसको इस घटना को हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बीट्स, ये आपका बीट्स के टर्म में है। तो अब क्या होगा कि इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं y1 + y2 = 2 टाइम
टाइम्स ए कॉस ऑफ डेल्टा 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 ओमेगा बाई टू टाइम्स टी माइनस डेल्टा के ओवर टू टाइम्स एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये निकल गया। तो इसमें हम देखेंगे कि दिस इज ए एम्पलीट्यूड, न्यू एम्पलीट्यूड, और ये जो आपका इसका नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा और इट बिहेव्स लाइक ए वेव। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो इसकी वीसी है, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव है, वो होगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, और दैट इज डी ओमेगा बाई डी के, एंड आपका जो पार्टिकल वेलोसिटी वो होगी वी इक्वल टू ओमेगा होम के इज द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। इसमें हम और एक बात हमें ये भी पता है कि टू पाई ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू एंड के इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा इज टू, दैट इज टू पाई अपॉन लैम्डा हम लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा दिखा सकते हैं, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू एंड इज इक्वल टू टू पाई, और न्यू की वैल्यू हम एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच टाइम्स न्यू, दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओवर एच। और इसके लिए क्योंकि ये पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है, तो इसके लिए हम ये वैल्यू रखेंगे टू पाई इंटू एम जीरो सी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सिमिलरली हम निकालेंगे के को, के कम्स आउट टू बी के इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा, और हम जानते हैं कि डी ब्रोगली जो वेव लेंथ है वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, सो दैट इज इक्वल टू टू पाई एम वी ओवर ओवर एच, एंड अगेन इट इज रिटन एज टू पाई एम जीरो वी डिवाइड बाय एच इंटू रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो आपका वी जी ग्रुप वेलोसिटी वी जी ओमेगा ओवर डी के, तो ये ओवर डी डी ओमेगा बाय डी वी, बिकॉज डी ओमेगा इज फंक्शन ऑफ वी एंड के इज फंक्शन ऑफ वी, एंड सिमिलरली डी के ओवर डी वी। तो अगर हम इसको निकालते हैं, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं, तो डी ओमेगा ओवर डी के कम्स आउट टू बी, जब डी बाई डी वी ऑफ ओमेगा को सॉल्व करेंगे तो इसकी बनेगी टू पाई एम जीरो वी, और जब हम डी डी बाई डी वी ऑफ के अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें होगा मिलेगा टू पाई एम जीरो ओवर एच इंटू वन माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। तो हम देखते हैं कि इस केस में वी जी इज इक्वल टू वी के बराबर है, इट मीन्स जो आपका हमारा जो ग्रुप वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, दैट इज द डी ब्रोगली वेव ग्रुप वेलोसिटी, और ये वी जी इज इक्वल टू वी के बराबर है। अब हम जानते हैं अगेन वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी है, जो कि इज ग्रेटर देन सी, इसका इसमें कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये सिंगल वेव नहीं है, तो इसको हम सिंगल वेव के लिए छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम हमारे पास जो डी ब्रोगली पार्टिकल है वो मैटर पार्टिकल बिहेव करता है एज ए ग्रुप ऑफ वेव्स, और जो ये फाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ वेव्स का सुपर इम्पोज करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा आपका ग्रुप ऑफ वेव्स, और हम इसको कहते हैं वेव पैकेट। तो इस अब रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, वैसी पार्टिकल का भी, पार्टिकल जो मेटल पार्टिकल्स हैं उनका भी ड्यूअल नेचर है, वो पार्टिकल की तरफ बिहेव करते हैं और वेव की तरफ व्यवहार करते हैं, लेकिन जो वो वेव होगी वो होगी ग्रुप ऑफ वेव्स। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो क्या जेपी थॉमसन ने और डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट की मदद से हम इसको बता पाए कि हाँ वाकई में
जो है मेटल पार्टिकल का वेव नेचर होता है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल पार्टिकल जब डाला गया तो नाउ वी गेट डिफ्रेक्शन पैटर्न।